तो मैं अनिल सैनी और आपके सामने लेकर आया हूँ एक आज नया वीडियो, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि आज हम एक नया कैंट आरओ लेकर आए हैं, उसकी आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और ये आरओ जो है कौन सा है और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ज़रा इसकी स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरीके से दे रखी है, ये दिया हुआ है 0 वाटर वेस्टेज है और रिटेन एसेंशियल मिनरल्स, यानी कि जो हमारे मिनरल्स होते हैं वाटर के अंदर वो उनको रिटेन कर लेता है ये। और यहाँ पर इतने सारे यूवी इन टैंक दे रखा है और काफ़ी सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं आरओ प्लस यूवी यूएफ टीडीएस कंट्रोल यूवी इन टैंक। और इसकी थोड़ी सी कुछ स्पेसिफिकेशन है, थोड़ा उनको भी देख लेते हैं। और ये इधर लिखी हुई है इसकी स्पेसिफिकेशन, जो प्रोडक्ट का ये प्रोडक्ट कोड नंबर होता है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी, प्रोडक्ट का आपका नाम होगा कि कौन सा प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट का कोड वगैरह सब लिखे हैं, और इसका जेनरिक नेम क्या है, वाटर प्योरीफायर है, कलर वगैरह सब यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आते हैं आपका इसका ग्रॉस वेट कितना है, 10.6 केजी है। नेट वेट इसका जो है 8.5 केजी करके है। और इसकी जो प्रोडक्शन रेट है वो 20 लीटर पर आवर के रेट से ये इतना फिल्टर कर सकता है। और अंडर स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये जो इसमें लिखा हुआ है ये उसी के अकॉर्डिंग है जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। उसके बाद है प्रोडक्ट की डायमेंशन लिखी हुई है, बॉक्स की डायमेंशन, ये सब तो हमारे लिए यूजेबल नहीं है, लेकिन हम हाँ ये देख सकते हैं कि जो हमें इनलेट वाटर का प्रेशर रखना है वो 0.3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस तक ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो उसमें दिक्कत आ सकती है आपके प्योरीफायर में। और जो इनलेट वाटर प्रेशर टेम्परेचर मैक्सिमम आप ले सकते हैं वो 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, और इसका प्रेशर जो है आपका 4 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो है आप इसमें देख रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम जो ऑपरेटिंग पीएच होता है, एक पीएच वैल्यू होती है वाटर की, नॉर्मल जो वाटर की पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है, लेकिन अभी इसमें जो मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें तो मिनिमम तो होनी चाहिए 6.5 और मैक्सिमम 8.0 होनी चाहिए। जो इसकी इनपुट पावर सप्लाई है वो सिंगल फेज होनी चाहिए, 100 से 250 वोल्ट एसी करंट होना चाहिए और 50 से 60 हर्ट्ज तक होनी चाहिए दोस्तों। तो उसके बाद है यूवी लैंप, अगर वेटेज यूज कर रहे हैं तो 11 वाट का होना चाहिए। और यूवी लाइफ ऑफ यूवी लैंप जो है उसकी 5000 आवर ऑफ ऑपरेशन तक की इसकी कैपेसिटी है। और लाइफ ऑफ यूवी लैंप यहाँ कैपेसिटी हो गई, यूवी एलईडी वेटेज जो है 0.67 वाट है, और यहाँ पर टोटल पावर कंजम्पशन करे गए 60 वाट, यानी कि आपके 100 वाट के बल्ब से भी कम पावर ये लेगा जब वाटर प्योरीफाई करेंगे। बाकी इसकी जो आईपी रेटिंग है वो IPX1 में रेटिंग जाती है, बाकी इसमें जो डिटेल है आप जब लाएंगे तो इसको अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं, बाकी वैसे इनकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। और ये आपको मैं बता देता हूँ, इसमें 3 साइन लिखे होते हैं वो किस किस काम में आते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेगाइल, डिसाइड अप और रिसाइकल। इसका मतलब होता है कि इसको टूटने, इसमें सामान ऐसा है इस बॉक्स के अंदर जो टूट सकता है, इसलिए इसको सावधानी से रखेंगे। और इस साइन का मतलब होता है कि ये जो साइड है इसको आप ऊपर ही रखेंगे, ये वाला एरो इसीलिए होता है। रिसाइकल का मतलब अगर ये ख़राब हो जाता है तो इसको कंपनी में या कबाड़ के रूप में बेच सकते हैं हम कबाड़ी को, और वो कबाड़ क्या करता है इसको आगे बेचता है, ऐसे जा कर के वो प्लास्टिक की कंपनी में पहुंचता है, फिर वहाँ रिसाइकल हो जाता है, इसलिए ये तीनों साइन दिए होते हैं दोस्तों। तो हम अब जो है इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं कि अंदर से ये कैसा है। वैसे तो हमने इसको पहले से ही खोल रखा है, लेकिन फिर दोबारा से मैं अब वीडियो बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन होती हैं। देखिए दोस्तों, क्योंकि हम इसको जब लेकर आए थे तो हमने फर्स्ट डे इसको ओपन करके देख लिया था, तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। ये आपके जो फॉर्म है ये सेफ्टी के लिए होते हैं, ताकि कोई चीज़ इससे लग के वो तोड़ ना दे। अभी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है। ये है हमारे पास में कुछ इसके पार्ट्स दिए हैं, ये है छोटे पाइप के लिए, एक और होता है इसका बड़ा पाइप का, वो भी शायद इसी में होगा, कुछ इसी टाइप का होता है वो भी, जिसमें हम सप्लाई पाइप को कनेक्ट करते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा होता है।
वैसे साइज तो दोनों का लगभग एक ही जैसा दे रखा है, पाइप पे डिपेंड करेगा छोटे वाले पाइप के लिए, क्योंकि उसमें हमें कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी प्री इंस्टॉल में होता ही है ये हमारे पास। पाइप को वॉल पे लगाने के लिए जो गिट्टी बोलते हैं इसको लोकल, ये सब दे रखे हैं। इसमें पाइप निकला है कुछ, पाइप को ये है हमारे पास में, एक सप्लाई पाइप है और एक है वेस्टेज वाला पाइप। वेस्टेज का पाइप होता है एक, सप्लाई का ये पाइप दिया हुआ है, इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों अब जो है इसके अंदर से हम ओपन करके देख निकाल के देखते हैं इसको। निकाल लिया है और देख लेते हैं किस तरीके से इसमें इंस्टॉलेशन हो रखा है। अंदर का सिस्टम अंदर से हमारे ये लिखे हुए हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ इसमें यूज़ की गई हैं। ये जो है इनलाइन कार्बन फिल्टर है इनफ्लो के लिए, और ये जो जैसे कि हमने स्पेसिफिकेशन में पढ़ा था 11 वाट का यूवी लैंप इनसाइड दिया हुआ है। 4 ईयर की इसकी सर्विस वारंटी है। सीरियल नंबर लिखा हुआ है इसमें। कार्बन फिल्टर वगैरह सब लगे हुए हैं। ये कैंट सुप्रीम प्लस इसका ब्रांड का जो एक नाम होता है वो है, और इसमें बाकी इसमें फिल्टर वगैरह सब कुछ सही तरीके से दिखाई दे रहे हैं हमें, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है इसकी वजह से हमें इनमें सब कुछ दिखाई देता है। बाकी यहाँ पर जो है अभी जो एक और पोस्ट कार्बन फिल्टर लगा हुआ है, और ये मेम्ब्रेन लगी हुई है बाद में जो यूएफ फ्लो होता है ये वाली नीचे लगी है, ये मेम्ब्रेन लगी हुई है, और ये पोस्ट कार्बन फिल्टर है, और बाकी मैंने आपको दिखा दिया इसमें सब कुछ है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऊपर वाला है छोटा वाला जो पाइप है ये रिजेक्ट वाटर के लिए है, ये वाला जो पाइप है आपका ये वाटर इन के लिए है। तो अभी इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा कि इसको किस तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा। तो अभी इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही कि आज हमने सिर्फ इसकी अनबॉक्सिंग की है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।